वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड किस तरह से यूजर इनपुट ले सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा आज मैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइज, अभी तक तुमने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हूँ जो मैं फ्री में लाऊंगा और मैं खुद की कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जैसे मैंने खुद अपने कॉलेज लाइफ में किया था। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना हो, राइट, सो मैं एक PDF रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा। लाइक मुझे एक यूज़र इनपुट करना है तो आप क्या करें? लाइक अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक यूज़र का इनपुट लेना चाहता हूँ, यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपल से एक बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट, उसे यूज़ करनी होगी। तो चलो मेरे एडिटर पे, ये मेरा एडिटर है, basics.py मेरा फाइल का नाम है, याद रखना। एंड मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं अभी इनपुट किया यहाँ पे, तो इस इनपुट के अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ तो लाइक मैं एक नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा कि जो ताकि इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसा इनपुट मैं ले रहा हूँ। सो एंटर योर नेम, ओके। एंड इसे मैं एक वेरिएबल पे स्टोर कर दूंगा, लाइक नेम वेरिएबल के अंदर मैंने इसे स्टोर कर दिया। अब क्या हो गया, ये मेरा नेम इनपुट लेगा, और चेक भी कर लेते हैं कि ये नेम इनपुट ले रहा है कि नहीं, ताकि मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करूं और मैं यहाँ पे नेम प्रिंट कर दूंगा। अब इसे सेव कर लेता हूँ और चलो मेरे पावर शेल पे चलते हैं। सो मेरा ये पावर शेल है, मैं उस डायरेक्टरी पे हूँ, डेस्कटॉप पाइथन वर्कस्पेस मेरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरा ये फाइल है। मेरा फाइल का नाम क्या है? बेसिक्स। सो पाइथन बेसिक्स डॉट पी वाई ये मेरा फाइल का नाम है। तो देखो यहाँ पे एक आउटपुट आ गया, इंटर योर नेम। अब मैं जो भी नाम लूँगा, लाइक एडू कोड विथ एसके ये मैंने लिखा और एंटर दबाया, तो तुम देख सकते हो कि एडू कोड विथ एसके मेरा प्रिंट हो गया। तो इस वजह से अगर मुझे यूज़र का इनपुट लेना हो तब हम लोग इनपुट बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में बिल्ट इन रहता है उसका यूज़ करके हम लोग यूज़र डिफाइन इनपुट ले सकते हैं। मान लो अगर मुझे अब इंटीजर इनपुट लेना है तब मैं क्या करूँ? सो इंटीजर लेना है, लाइक मुझे मेरा एज का पता करना है। सो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लाइक एज, और अब भी मैं इनपुट लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा कि अगर मैं सिर्फ इनपुट लिखता हूँ तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, ओके। सो अगर मुझे एज लिखना है तो एज मुझे इंटीजर टाइप चाहिए, राइट, तो उसके लिए मुझे इंटीजर मेंशन कर देना होगा यहाँ पे, ताकि जो यूज़र को पता चले कि जो भी इनपुट यूज़र ले रहा है वो इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए, यहाँ पे तुम स्ट्रिंग टाइप नहीं ले सकते। सो मैं इनपुट में यहाँ पे लिख लूँगा लाइक एंटर योर एज, ओके। सो एंटर योर एज इस तरह से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर लिया, और इसको भी मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ यहाँ पे, राइट, एज प्रिंट कर लेंगे। और मैं अभी इसे बिल्ड करता हूँ, सेव कर लिया मैं, और मैं अपने पावर शेल पे अब जाके मैं इसे बिल्ड करूँगा। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, python.ar मैं सौरव लिखता हूँ यहाँ पे, माई नेम इज सौरव, एंड इफ आई नीड टू टाइप माई एज, अब मैं एज ले रहा हूँ 22, सो एज इज माई 22। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप पे प्रिंट हुआ, क्योंकि मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट को पहले, इंटरप्रेटर है मेरा तो लाइन बाई लाइन इंटरप्रेट कर रहा है, तो इसे मैं अगर कट कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं इसे अगर पेस्ट कर लेता हूँ, सो इट विल प्रिंट 1 by 1, ओके। सो इट विल प्रिंट माई 1 by 1, एंड नाउ इफ आई जस्ट सेव इट एंड सी वट इज माई नेम इज सौरव एंड एज इज 22। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट थिंग, ओके। सो ये चीज़ हमने पहली चीज़ देख लिया कि किस तरह से यूज़र इनपुट लेना होता है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट पार्ट की, कंडीशनल स्टेटमेंट। सो वट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स? जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास दो कंडीशन जब आ जाते हैं लाइफ में भी, कभी तुम्हें अगर दो कंडीशन आ गई, या मान लो तुम एक कोई जगह पे जा रहे हो जिसका तुम्हें पता नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन दो रास्ते हैं, तो तुम वहाँ पे कंडीशन लगाते हो, इस वाले रास्ते में जाऊँ या इस वाले रास्ते में जाऊँ। सो वही होता है कंडीशन, जब भी प्रोग्राम में अगर एक से ज़्यादा कोई कंडीशन आ जाती है, मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तब हमें चेक करना होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट डालना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें कुछ लॉजिक यूज़ होता है, और वो लॉजिक क्या है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सिंपल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कंडीशनल लॉजिक यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम कैन टेकन बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ आउटपुट। जहाँ पे कहाँ कोई कंडीशन क्या करेंगे, कंडीशन पे हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं कि ये अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बारिश हो रही है तो हम लोग खेलने नहीं जा सकते, तो वो क्या किया, कंपेयर किया, तो ओवर हियर वी विल ऑल्सो कंपेयर लाइक दिस। सो इफ सम कंडीशन इज ट्रू,
लाइक कोई एक मेरा कंडीशन है, अगर वो ट्रू होता है तब उसके अंदर हम लोग जो भी ऑपरेशन है वो करेंगे, डू समथिंग. एलिफ अगर वो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं करता तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगी. तो यहाँ पे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर तुमने पहले किए तो तुम्हें पता होगा कि सी, सी प्लस प्लस या जावा पे होता है कि एल्स इफ, लेकिन यहाँ एलिफ होता है, शॉर्ट फॉर्म है, वो वही सेम चीज है, एल इफ, एलिफ. सो एलिफ सम अदर कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन अगर वो ट्रू हुआ तब ट्रू, डू समथिंग, उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो करेंगे. अगर वो नहीं होता है, लाइक मेरा दोनों कंडीशन फेल हो जाता है, मान लो तुम्हारे पास तीन कंडीशन है, पहला कंडीशन तुमने चेक किया, अगर वो सही निकला तो उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो करेंगे, अगर सेकंड कंडीशन सही हुआ, एलिफ पार्ट में आएंगे, तो अगर सेकंड कंडीशन सही हुआ तो वो डू समथिंग वहां पे करेंगे, और अगर मान लो दोनों कंडीशन फेल होता है तो मेरा कोई भी कंडीशन और हो सकता है, तो वो मेरा हो जाएगा एल्स पार्ट में. सो एल्स पार्ट पे हम लोग एक स्टेटमेंट रख देंगे कि हाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरा ये तीसरा कंडीशन होगा. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे रिमूव करता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यूज करूंगा. पहले मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, एज का इनपुट ले लेता हूँ, मैं एक एज वाला क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ पे, इनपुट लाइक एंटर योर एज, एंटर योर एज कर दिया मैंने, एंड ये मेरे स्ट्रिंग के अंदर होगा. सो गाइज ये मेरा स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए. सो नाउ यू व्हाट यू नीड टू डू, मैंने एज को इनपुट ले लिया है, अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा एज 18 के अबव है, सो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने दिया, ग्रेटर देन एज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो मैं एक कोलन दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एंटर करूंगा तो एक स्पेस मिलेगा मुझे. यू कैन सी दैट देयर इज अ स्पेस. सो दिस स्पेस इज द इंडेंटेशन विच differentiates between your codes. So मेरा मतलब इससे पता चलेगा कि ये मेरा अब जो मैं कोड लिखने वाला हूँ वो मेरे इफ कंडीशन के अंदर है, ये पहला कंडीशन के अंदर है. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि प्रिंट स्टेटमेंट करना है, यस यू कैन मूव ऑन टू अ पब, ओके, और डिस्को. चलो ऐसा कर लेगा ना कि 18 के अबव है तो यू कैन मूव ऑन टू अ पब और डिस्को. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, मैं एक और एक कंडीशन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैकस्पेस कर लूंगा और जहाँ पे मेरा इफ स्टार्ट हुआ वहाँ से मेरा पाथ फॉलो करना है, तो एलिफ कर दूंगा. मैं यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर एज इज ग्रेटर देन लाइक 16 है, एंड यहाँ पे एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड एज जो है मेरा लाइक एज जो भी है वो मेरा लेस देन इक्वल लेस देन 18 है, नॉट इक्वल टू, लेस देन 18 है, तब मेरा क्या कंडीशन प्रिंट करूंगा, सिंपल मैं प्रिंट कर दूंगा कि नो इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू. ये मेरा एक सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिया, तो ये मैं कर दूंगा और ये मेरा ब्रैकेट्स के अंदर होगा. सो यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे ब्रैकेट्स कर देना भैया, ठीक है, गलती दिख गई यहाँ पे, मिस्टेक थी थोड़ी बहुत. तो अब मैं एलिफ कंडीशन पे क्या कर दिया हूँ कि एज को ज़्यादा कर दिया हूँ, 16 के ऊपर होना चाहिए और मेरा एज 18 के अंदर, अगर 16 से 18 के बीच हो, 18 पूरा नहीं हुआ, 18 के बीच हो, तब इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू, एक मैंने स्टेटमेंट लिया. बाय चांस अगर ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, सो देन आई हैव अ थर्ड ऑप्शन विच इज़ माई एल्स पार्ट. एल्स पार्ट पे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते, लाइक अगर एज तुम्हारा 13 है, ठीक है, 15 है, तो तुम्हारा 16 टू 18 भी नहीं है और 18 के अबव भी नहीं है. सो यहाँ पे एक स्टूडेंट गो एंड प्ले यू आर स्टिल अ चाइल्ड, ओके. सो इस तरह से मेरा एक छोटा सा कंडीशनल स्टेटमेंट डाल के मैंने कर लिया और मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे रन करूंगा, बूम. सो पाइथन बेसिक्स डॉट पी वाई एंटर योर एज, चलो मेरा एज मैं देख लेता हूँ, मैं एप्लीकेबल 22. सो यहाँ मेरा एक एरर आ रहा है, सो व्हाट इज द एरर, देखो यहाँ इक्वल टू इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर. ओ यहाँ पे एक एरर आ गया भाई, एरर यह है कि स्ट्रिंग एंड इंटीजर नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंस. ओ समझ गया मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे जो इनपुट ले रहा हूँ वो मेरा स्ट्रिंग टाइप है इसलिए नहीं ले रही है. तो यहाँ सिंपल से मुझे क्या करता है ना, इंटीजर टाइप ले रहा हूँ भैया, तो मैं इंटीजर कर देता हूँ यहाँ पे और मैं सेव करता हूँ. ओके अब मैं सेव कर दूं इस प्रोग्राम को और अब मैं पावरशेल पे रन करा दूं. सो सी एंटर योर एज 22, यस यू कैन मूव ऑन टू अ पब और डिस्को. चलो और एक बार ले लेते हैं, लाइक मेरा एज है 14, ओके गो एंड प्ले यू आर स्टिल अ चाइल्ड, और एक चीज ले लेते हैं लाइक माय 16.
सो नॉट इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू. सो समझ में आ गया कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स एलिफ का यूज होता है. ये हो गया मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ लाइक कंडीशनल चेक्स. तो अगर मुझे कंडीशनल चेक करना है, मान लो मैंने कोई वैल्यू ले लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्का स्टार्क, आर्या स्टार्क मैंने ले लिया है, और अगर मेरा नाम आर्या स्टार्क है तो इट विल प्रिंट वेलर मॉर्ग्यूलिस. ओके, एलिफ नेम अगर मेरा जॉन स्नो है तो इट विल प्रिंट यू नो नथिंग, एंड एल्स अगर कोई दूसरा नाम होता है, तीसरा नाम होता है, सो इट विल कैरी ऑन. सो दिस इज माई कंडीशनल चेक. अगर मुझे कंडीशनल को चेक करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज पे चेक किया कि मेरा एज 18 से ज्यादा है, तो वो समझ में आ गया कि अभी जो मैंने काम किया कि वो कंडीशनल चेक्स है एंड किस तरह से वर्कआउट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करूंगा व्हाट आर दी ट्रूथीनेस. एक होता है पाइथन पे ट्रूथीनेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर वन कहा, सो वन इज कैन बी टर्म्ड एज माई ट्रू. इफ आई एम टेलिंग कि जीरो, सो इट इज टर्म्ड एज अ फॉल्स. सो जो चीज वन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने यहाँ पे मैंशन किया कि यहाँ पे मैं चेक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं इस पावर शेल को ही मैं ये कर रहा हूँ. सो मैं यहाँ पे सिर्फ पाइथन लिखूंगा, राइट. मैं यहाँ पे पहले बाहर निकलता हूँ इस डायरेक्टरी से, और मैं यहाँ पे पाइथन आइडल यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ सिंपल मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ. देखो मेरा ये पावर शेल आइडल पे हो गया. सो आइडल पे मैं चेक करूंगा कि एक्स इक्वेट चेकिंग करूंगा कि मेरा ट्रू है या फॉल्स. सो अगर मान लो एक्स को मैंने वन ले लिया है, ठीक है, मैंने डिफाइन किया, दिख रहा है तुम लोगों को एक्स इक्वल टू वन. सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि x मेरा 1 है या नहीं. सो x इज 1, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग माई ट्रू. और अगर मैं x इज 0, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग माई फॉल्स. सो क्या बात होगी, ट्रूथीनेस. अगर मैं कोई ऐसा चीज लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एम्प्टी चीज ले रहा हूँ, अभी ये डिक्शनरी का बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में और अच्छे से डिस्कशन करूंगा. मैं ये बताना चाहता हूँ कोई भी एम्प्टी चीज है, लाइक a इज इक्वल टू माई एम्प्टी है, ठीक है, मेरा एम्प्टी है, एम्प्टी डिक्शनरी है, और मैं चेक करूं कि ए क्या है. सो इट इज माई एम्प्टी, यू कैन सी दैट इट इज एम्प्टी. सो कोई भी एम्प्टी चीज हो गया, कोई भी नन वैल्यू हो गई, वो सारे वैल्यूज जो है वो सारे फॉल्स होते हैं, फॉल्सी वैल्यूज होती है. अदर देन दीज वैल्यूज, लाइक माई फॉल्सी वैल्यूज लेफ्ट, ऑल अदर वैल्यूज आर माई ट्रूथ वैल्यूज. सो बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल दैट देर इज अ ट्रूथीनेस इन द पाइथन प्रोग्रामिंग where one is termed as your true. अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, लाइक x इक्वल टू यहाँ पे मैं ट्रू कर रहा हूँ, और उसके साथ अगर मैं ऐड करता हूँ 2 को, सो यहाँ पे मेरा एंटर हो गया. अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ वैल्यू, प्रिंट x की वैल्यू को अगर प्रिंट करता हूँ, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग माई 3. देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, 3 आ गया. Why it is so? क्योंकि वो ट्रू को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है. All truthy values are regarded as my 1. अगर सेम चीज मैं कर रहा हूँ, like x, like फिर से मैं ले रहा हूँ x equal to my, चलो कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो, y is equal to my false, f कैपिटल होना चाहिए, और इसके साथ अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तब मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, देखते हैं. प्रिंट कर लूंगा मैं y को. ओके, अब मैं प्रिंट करूंगा, देखो y मेरा 2 आ रहा है. Why it is so? Because false is regarded as my falsy value. So falsy values means it is a 0, right? So truthy values is my positive. Positive things are always 1. और जो negative चीज़ें होती है वो होती है मेरी 0. So इसीलिए truthiness के लिए मैंने कहा कि ये positive and negative things होती है. तो ये हो गया मेरा truthiness के value के ऊपर. So guys, अब मैं बात करूंगा comparisonal operators. ये सबको मालूम है, फिर भी मैं एक recapitulate कर लेता हूँ. Comparisonal operators, जब मुझे कोई चीज़ों को compare करना है, like double equal to से compare होते हैं, not equal to, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. जैसे कि मैं अभी पावर शेल पे यहाँ पे चेक किया, ये मेरा greater than है, so this is checking कि मेरा age 18 है. so ये सारे जो हो गए comparisonal operators. किसी को भी इस चीज पे doubt है, और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं इस comparisonal operators पे एक full video बनाऊ, तुम comment box पे जरूर comment करके बताना, और मैं बहुत जल्दी video बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. okay, and अगर तुम लोगों को जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, इसके ये मैं बहुत एक अच्छा से वीडियो मैं बनाऊंगा एंड नॉट और पे. नेक्स्ट वीडियो मेरे इसी पे रहेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना मालूम है, मुझे पता है कि तुम लोगों को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये वीडियो होगा. बट अगर तुम लोग को मालूम है तो उस वीडियो को तुम लोग स्किप कर सकते हो. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, और भी कुछ अच्छे फैक्ट्स लेके आऊंगा मैं. पाइथन प्रोग्रामिंग का पूरा प्लेलिस्ट बनेगा. अगर लास्ट वीडियोस नहीं चेक की हो तो जाके जल्दी चेक करो, और भी ज्यादा आने वाला है. हाँ, और एक बात, मैं ऑनलाइन
क्लासेस भी करवाता हूँ अगर किसी को मन है मेरे साथ पाइथन वेब डेवलपमेंट डेटा साइंस मशीन लर्निंग ये सारे कोर्सेज को एनरोल करना है मेरे साथ एसईओ कॉन्सेप्ट्स हाउ टू रैंक योर पेज यू कैन जस्ट डीएम मी इन द इंस्टाग्राम गिवन इन माई लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मेरे लिंक पे लिंक को क्लिक करो और मुझे टेक्स्ट करो ठीक है गाइस थैंक यू गाइस आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे और सारे नए चीज़ों के लिए थैंक यू गाइस टेक केयर बाय बाय जय हिंद